अब तक आपने देखा। डर गई थी कि अगर मैं बेटी लेके जाऊंगी तो जिंदगी भर भाई साहब के ताने सुनने पड़ेंगे। अब क्या होगा, तुम ताने भी सुनोगी और भाई साहब मेरे मुंह पर कालिक भी पोत देंगे। जायदाद का समन खून से होता है, जब पुद्दार परिवार का खूनी विभोर के रगों में नहीं दौड़ रहा है तो फिर इस घर के जायदाद पर भी उसका हक नहीं हो सकता है। मैंने आपके मोबाइल पे एक वीडियो मैसेज भेजा है, जरा देख लीजिए। अब आगे के, हर फरेब और हर झूठ से मैं पर्दा उठाऊंगी। आज अब सबको वो सच पता चलेगा जिसमें काजल दीदी और भैरवी जी अपने खुशियों के लिए मेरे चरित्र पर लांछन लगाए। जी हाँ, मेरे शादी के नकली कार्ड काजल दीदी ने छपवाए। जिससे कि मेरी शादी टूट जाए और निकुंज भैया से उनकी शादी हो जाए। सरासर गलत, किसी और की खुशी छीन कर अपनी खुशी के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? बाबूजी हूँ मैं। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? रुक जाइए ना, क्या क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, बाबूजी, निकुंज को कुछ मत कीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? अब एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो थारी जुबान खींच लूंगा। अब अपना बोरिया बिस्तर लेकर इस घर से बाहर निकल जाए। बाबूजी प्लीज, अब मुझे मारो, आपको जितना मारना है मारो, पर प्लीज काजल को घर से मत निकालो। सामने जी, निकालना है तो मुझे निकालिए, मारना है मुझे मारिए, सारी फसाद की जड़ मैं ही हूं। मैं मानती हूँ रीति के गुनाहगार भी मैं ही हूँ। तो मैंने निकुंज और रीति की शादी तुड़वाई। नकली कार्ड भी बनवाई। भैरव जी माफ कीजिएगा, कार्ड पर हैंडराइटिंग आपकी नहीं काजल दीदी की थी। काजल की थी, वो मैंने इसे मजबूर किया था।
मैंने उसे कसम दी थी, इतने सालों तक उसने मुंह बंद रखा, मेरी गलती है। आप लोग जो भी सजा देना चाहेंगे वो भुगतने को तैयार हूँ, पर मेरी बेटी को मत निकालिए इस घर से, मेरी बेटी को मत निकालिए इस घर से, मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। माँ, मैंने कहा था ना बुरे का अंत बुरा होता है, मैंने कहा था ना रीति से मैं बात कर लूंगी, मैं गिड़गिड़ाकर उसे अपना प्यार मांग लूंगी, लेकिन आपने मुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। अब देखिए आप अपना अंजाम, एक रास्ता कैसे हमें गहरी अंधेरी खाई में ढकेल रहा है। आप तो इस घर के बड़े हैं ना, आप तो समझदार हैं ना, आप माफ कर दीजिए मुझे। कितने गुनाहों के लिए आप माफी मांगेगी? रीति बहू के साथ जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन बंगाली है ये, सच आपने क्यों छुपाया? पूरा पोदार परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मेरी बेटी काजल ने तो मुझे बहुत कहा कि मम्मी सच बता दो, लेकिन मैं ही डर गई थी कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग को पता चले कि हम बंगाली है तो आप लोग शादी के लिए मना ना कर दो। बस मैंने अपनी बेटी के प्यार के खातिर ये झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। माँ, देख लिया ना आपने, आपके हर अपराध की सजा मुझे मिलेगी। जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, उसी तरह से आपने कर दी ना मेरी जिंदगी बर्बाद। आपने अपनी खुशी के लिए इस घर में अपनों से अपनों को ही छीन लिया। अरे मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपने माँ नाम के पवित्र शब्द को ही शर्मिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मेरी बेटी निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। आप सबसे विनती है कि मेरी गुनाहों को जो भी सजा देना चाहते हैं आप लोग दीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी गुनाहों को प्रायश्चित करने के लिए अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। हर तीरथ हर धाम तब तक करूंगी जब तक मेरे भगवान मुझे माफी न दे दे। आपको एक मिनट हो गए ये बोले हुए कि मैं अभी घर छोड़कर जा रही हूं, अभी तक आप गई नहीं। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है समधन जी, समधन जी बाहर जाने का रास्ता उधर से नहीं इधर से बाहर। नौटंकी बाहर, दुनिया की चाबी भैरवी भाग। पापा जी, मेरे पास शब्द नहीं आपसे माफी मांगने के लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं,
पापा जी, आपका दिल कितना बड़ा है, जरा देखना इसमें कितना बजा है। अरे वहां क्या देख रही हो? अरे को टाइम बता कितना। पापा जी वो 9 बजे हो। 9? कल 9 बजे से पहले तुम दोनों अपना बुरिया बिस्तर और इस घर से रिश्ते नाते तोड़कर बाहर निकल जाओ। मारे को झूठे और मक्कार लोगों की शक्ल पसंद ना है। निवास को भर भी दोगी ना, तब भी मारा फैसला ना बदलेगा। दादाजी, बिलासी ने जो कहा वो सही है। बार मारी बात तो सुनो, किसी और के किए की सजा अपने बेटे बहू को मत दीजिए। फैसला हो गया है, अब भगवान भी ना बदल सकेंगे। रुकिए, सच ये कि मरा कोई बेटा ना है, अब अनंत काल तक यही सच रहेगा। आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, मारे को मरा भी बोल लाना दो, मारे को मरा भी बोल लाना दीजिए। किन हालात से गुजर रहे हो मुझे एहसास है, तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी मैं महसूस कर सकती हूँ, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा मैं समझ सकती। ओह शट अप रिधि, तुम समझ सकती हो मेरा दर्द? हाँ रियली, बताओ क्या समझ सकती हो? मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ओके कर लूटते हैं, दौलत लूटती है, मेरे तो मां बाप भी लूट गए, छीन गए मुझसे मेरे मां बाप, मेरा नाम ओतार छीन गया मुझसे। तुम सोच भी नहीं सकती मैं किस हालात से गुजर रहा हूं, इसलिए प्लीज मुझ पे एक एहसान करो, मुझ पे दया करना छोड़ दो, क्योंकि धोखेबाज तो तुम भी हो। अगर मेरी मां ने मुझसे बात छुपाई
तो तुमने भी छुपाई। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने कुछ दिन और उन्होंने कुछ साल मेरा दर्द समझे कि फारे मेरी किस्मत, मां भी धोखेबाज और बीवी भी, आप किस पे भरोसा करो? मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या मुझे माफ कर पाती? इसलिए मुझसे माफी मत एक्सपेक्ट करना। भगवान नहीं हूं मैं, सिर्फ एक इंसान। वो भी एक बदकिस्मत इंसान। माँ, आप इस घर को छोड़कर चली गई ताकि मुझे घर ना छोड़ना पड़े, पर पापा जी ने तो मुझे ऑर्डर दे दिया है कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद निकुंज और मेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। माँ, कोई तो ऐसी तरकीब बताओ, कोई तो ऐसा तिनका ला दो जो हम डूबते का सहारा बन जाए। और कोई रास्ता ना है, तेरी किस्मत में मरना है तो मर। माँ, आप ये क्या कह रही है? तूने सुना है ना कि स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, तो तुझे भी इस नरक से निकलने के लिए मरना पड़ेगा। सुन, कैसे मैं बताती हूं। आप कुछ बोलते क्यों ना है? आपकी चुप्पी मुझे खाए जाएगी। अब मारे को बोलने को रहा क्या? कौन सा छोर पकड़ूं? समझ में नहीं आ रहा, सब बिखर रहा है। उद्धार परिवार के जड़े एक सच से हिल सकती है, लेकिन इतने कमजोर नहीं है कि इस परिवार के अस्तित्व को कोई तोड़ दे। इस साल के रिश्तों पर एक सच की अहमियत इतना भारी है दादाजी? अब आप दोनों का ही सहारा है। अगर इस घर को और इस घर के रिश्तों को कोई बचा सकता है वो है आप दोनों का विश्वास। ये सच है, लेकिन मैंने जो सुना वो सुनकर एक पल के लिए हम हिल जरूर गए थे, लेकिन हम दोनों का विश्वास न डगमगाया है न डगमगाएगा। विभोर के लिए हमारे दिल में जितना प्यार कल था आज भी है, लेकिन बात सिर्फ हमारे विश्वास की ना, ना हमारे सोच की। बात यह है कि घर के सब लोग हमारे जैसा ही सोचते हैं, क्या उनके देखने का नजरिया बदल गया? बात नजरिए की ना है, इस समय तो घर के सारे रिश्ते घर से गए, सारे रिश्ते दांव पे लगे। तो क्या ऐसे रिश्तों को टूटने दे या फिर उनमें मजबूती लाकर फिर से जोड़ने की कोशिश कर जैसे पहले था? बिल्कुल, अगर कोशिश होगी तो नजरिया बदलेगा, और नजरिया बदलेगा तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो खोया हुआ विश्वास भी वापस आएगा। लेकिन ये उसे करना होगा
जिसके दिल में इस घर के लिए, इस घर के रिश्तों के लिए सम्मान है, और वो रीति बहु हारे दिल में है। इस घर के बिखरते हुए रिश्तों को मजबूती देकर थारे को हमेशा के लिए जोड़ना होगा। लेकिन दादी, जिस विभूर के रिश्ते की वजह से मेरा इस घर से रिश्ता है, आज उस रिश्ते पर ही सवाल उठा। दीदी बहू, तुमने पहले भी कठिन सवालों के हल ढूंढे, वैसे ही आज भी इस बिखरते हुए परिवार को तुम्हें जोड़ना होगा, और ऐसा तुम कर सकती हो, ये हम दोनों का विश्वास है। मैं आप दोनों के भरोसे पर खड़े उतरने की कोशिश करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप दोनों को ताऊजी को समझाना होगा कि वो निकुंज भैया और काजल दीदी को इस घर से ना निकाले। उनकी गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करें। मैं समझाता हूं बिलासी को, शायद वो अपना फैसला बदल देगा।